हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस क्रम में हमने पिछले चैप्टर में पुष्प क्रम के बारे में अध्ययन किया था। भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न क्रम से पुष्प जो है वो शाखाओं पर लगे हुए होते हैं। आज हम पुष्प के आकार की या मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था, पुष्प आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन अंग होता है, यानी कि पुष्प के द्वारा ही आवृत बीजी पौधों में या एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि पुष्प जो है एक प्ररोह, रूपांतरित प्ररोह है। तना का अग्रभाग या कक्षी भाग जो है वो जब संघनित हो जाता है और उसमें से निकलने वाली शाखाएं और पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और पुष्प के विभिन्न अंगों का निर्माण कर देती है, तब पुष्प की संरचना बनती है। हमने देखा है कि अधिकांश पौधों में पुष्प जो है एक डंठल या वृंत के द्वारा तने से लगा हुआ होता है, तब इसे पुष्प वृंत कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पुष्प जो है एक डंठल के द्वारा तने से लगा हुआ है, तो ये जो डंठल है वह कहलाता है पुष्प वृंत। आगे हम देखते हैं पुष्प में क्या क्या संरचनाएं होती है। तो पुष्प जिसमें पुष्प वृंत होता है उसे सवृंत या पेडिसिलेट पुष्प कहा जाता है, और जिनमें पुष्प वृंत यानी डंडी अनुपस्थित रहता है उनको सेसाइल या आवृत कहा जाता है। एक टिपिकल पुष्प में या प्रारूपिक पुष्प में अगर हम देखें तो जो फ्लोरल लीव्स हैं, पुष्प पत्र है, उसकी चार क्रम होता है। सबसे पहली बात यह, ये जो नीचे का भाग है वो पुष्प वृंत बनाता है, अगर पुष्प वृंति है, सवृंति है तो, और नहीं है तो नहीं बनाएगा। फिर ये नीचे का जो भाग है वो फूला हुआ होता है, जिस पर पुष्प के सभी जो चार क्रम हैं वो लगे हुए होते हैं, आसित रहते हैं, आसन्न रहते हैं। तो इस फूले हुए भाग को कहते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बाहर का जो भाग होता है वो जनरली हरे रंग का होता है, और कली अवस्था में ये हरा रंग जो है वो पूरे पुष्प को ढका हुआ होता है। जब पुष्प खिल जाता है, पंखुड़ियां अलग अलग हो जाती है, तो ये सबसे बाहर की ओर प्रथम चक्र होता है, इसे बाह्य दल कहा जाता है या कैलिक्स कहा जाता है। चूंकि ये हरा होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और पुष्प के लिए भोजन बनाने का काम भी ये करता है। इसके बाद दूसरा जो चक्र आता है वह कलरफुल होता है, किसी में सफेद, किसी में लाल, बैगनी, गुलाबी, जिस भी कलर, पीला जो है ना। तो ये जो है ये दल या कोरोला कहलाता है, और ये जो है वो जनरली पुष्प के अंदर के भागों के रक्षा करने का काम करता है। तीसरा जो चक्र होता है वो नर जनन अंग पुंकेसर का होता है, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है पराग कोश के अंदर। और चौथा और अंतिम अंदर का जो चक्र होता है वह कहलाता है स्त्री केसर, जिसके नीचे का भाग जो है फूला हुआ और इसमें एक वृंत और वर्तिका और अर्तिकाग्र होते हैं, इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। खैर, ये सबको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं कि पुष्पासन पर बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, कोरोला, पुमंग यानी एंड्रोसियम, जायांग यानी गाइनोसियम क्रमवार लगे हुए होते हैं। बाह्य दल पुंज और दल पुंज सहायक अंग कहलाते हैं, ठीक है। पुष्प का बाह्य दल पुंज और दल पुंज जो है वो सहायक अंग यानी एसेसरी ऑर्गन है, और पुमंग और जायांग जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुमंग जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जायांग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जब किसी पुष्प में ये चारों अंग उपस्थित होते हैं तब पुष्प जो है वो कंप्लीट कहलाता है, और अगर इनमें से कोई भी एक भाग नहीं है तब पुष्प है जो है वो अपूर्ण या इनकम्प्लीट कहलाता है। जब दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुष्प में उपस्थित होते हैं, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर यानी पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं, तब उसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पुष्प कहा जाता है। लेकिन जब पुष्प में एक ही अंग होता है, या पुमंग होता है, या जायांग होता है, या स्त्री केसर होता है, या पुंकेसर होता है, तब उसे एकलिंगी पुष्प कहा जाता है।
जब पुमंग और जयांग एक ही पौधे पर होते हैं तब उसे उभयलिंगाश्रयी, है ना। अगर दोनों अंग है तो बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी, और पुष्प को उभयलिंगाश्रयी मोनोथीसियस कहा जाता है। और जब एक पौधे पर केवल एक ही जनन अंग उपस्थित होता है तब उस पुष्प को एक लिंगाश्रयी यानी कि यूनिसेक्सुअल पुष्प कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम पुष्प की सममित देखें तो पुष्प जो है या तो ये नियमित होता है या त्रिज्या सममित या द्विपार्श्विक या एक व्यास सममित हो सकता है। जब पुष्प को उदग्र तल से दो बराबर भागों में बांटा जाए, जैसे कि यहाँ पे पुष्प दिख रहा है उसको अगर हम बीच से दो बराबर भागों में बांटे और इसके दोनों तरफ है ना सममित यानी दोनों तरफ बराबर भाग होता है तब उसको नियमित कहा जाता है या त्रिज्या सममित कहा जाता है या सममित सिमेट्रिकल पुष्प कहा जाता है। ध्यान दो, अगर पुष्प को हम बीचों बीच से काटे और दोनों तरफ इक्वल पार्ट आए, जैसे यहाँ पर एक बाह्य दल, दल पुंकेसर, स्त्री केसर, कादा वगैरह, तब उसे कहेंगे नियमित या सममित या त्रिज्या सममित, जैसे सरसों, धतूरा, मिर्च में। लेकिन जब पुष्प को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता है, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरसों का पुष्प आपने देखा होगा इस प्रकार चार इसमें पंखुड़ी होती है, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, इसको कहीं से भी हम काटेंगे तो ये बराबर भागों में ही बढ़ता है। पर आपने मटर के पौधे को देखा होगा, मटर के पौधे का पुष्प देखा होगा, इसमें जो है वो इस प्रकार संरचना होती है, तो इसको हम केवल एक ही जगह से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, हर जगह से इसको दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। तब इस ऐसे पुष्प को एक व्यास सममित यानी कि जायगोमार्फिक या मोनोसिमेट्रिकल कहा जाता है, जैसे मटर है, गुलमोहर है, सेम है, अमलतास है, है ना, ये सभी पुष्प। जब कोई पुष्प बीज से किसी भी ऊर्ध्वाधर में समान या रूप से विभक्त नहीं होता है, जैसे केना का पुष्प है, है ना, गेंदा का पुष्प है, तब उसे असममित या एसिमेट्रिकल या अनियमित या इरेगुलर कहा जाता है, जैसे केना का पुष्प। जब पुष्प पत्रों की संख्या समान या आपस में गुणज मल्टीपल होते हैं, जैसे दो, चार, छः, आठ, तब वह फूल या पुष्प जो है वो समावयवी यानी आइसोमेरस कहलाता है। इसी प्रकार अगर पुष्प पत्र की संख्या दो होने पर, द्वितीय तीन होने पर, अगर पुष्प पत्र दो हैं, जैसे बाह्य दल दो है, दल दो है, तब उसके उसको द्वितीय बाइमेरस, अगर तीन या तीन के गुणक में है, तीन है या छह है, तब उसको त्रितई, या चार के गुणक में है तो उसको चतुष्टई या टेट्रामेरस, पांच होने पर पेंटामेरस कहलाता है। जिन पौधों में पुष्प वृंत के नीचे छोटी पत्तियां लगी होती है ब्रैकेट के रूप में, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई है, तब उनको सहपत्री कहते हैं, और जिनमें छोटी पत्तियां नहीं लगी होती है, सहपत्री यानी ब्रैक्टिएट, और जिनमें छोटी पत्तियां नहीं लगी होती हैं उनको असहपत्री यानी ई ब्रैक्टिएट कहा जाता है। अगर हम अब आगे चलकर हम पुष्प के अंगों के बारे में बात कर लेते हैं, भागों के बारे में। पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में मैंने पहले ही बताया था। सबसे जो बाहर का क्रम होता है हरे रंग का होता है, जनरली लगभग सभी पुष्पों में यह हरे रंग का होता है, यह कहलाता है कैलिक्स या बाह्य दल, ये सबसे बाहर का भाग होता है ना। और इसके बाद अंदर जो है वो कलरफुल भाग होता है जो कि कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करता है, पुष्प को सुरक्षा देने का काम करता है, तो इन्हें कहा जाता है कोरोला या दलपुंज। और जो तीसरा अच्छा कार्य भी हम इसका बताते जाते हैं, ये एक प्रारूपिक पुष्प में है जिसमें ये सबसे बाहर की ओर है बाह्य दल, और ये फिर जो है वो दल, अंदर जो है जायांग और एंड्रोसियम यानी पुमंग, और बीचों बीच जो है वो जायांग, है ना।
तो कैलिक्स हरा होता है, हरा होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकता है और पुष्प को भोजन प्रदान करता है, और कली अवस्था में यह पुष्प को जब ढका रहता है तो पुष्पीय अंगों की रक्षा करने का काम करता है। दूसरा, कोरोला के बारे में बात करें, यह कलरफुल होता है, कलरफुल होने के कारण यह कीट पतंगों को परागण के लिए पुष्प की तरफ आकर्षित करता है और पुष्प के बाकी अंगों के अंदर के यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम की रक्षा करता है। तीसरा अंग हमने पढ़ा पुंकेसर या नर जनन अंग, इसके तीन भाग होते हैं, ये जो है वो वृंत होता है और ये जो है वो पराग कोश होता है। पराग कोश और वृंत को जोड़ने वाला भाग योज्जी कहलाता है। तब ये जो पराग कोश है इसके अंदर पराग कण निर्मित होते हैं, पराग कण जब परिपक्व हो जाता है तब पराग कोश फट जाता है और ये पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र में जाकर गिरते हैं और फर्टिलाइजेशन के द्वारा बीज का निर्माण होता है और इस प्रकार एक नए पौधे को उत्पन्न करने में ये सहायक होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और अंतिम चौथा चरण जो है वो जायांग यानी स्त्री केसर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नीचे का भाग इसका फूला हुआ और इसमें वृंत जो है वो वर्तिका और जो टिप वाला भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। इसी वर्तिकाग्र पर पराग कण आकर गिरते हैं और परागण की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। पराग कणों में पराग नलिका बनती है, उसके युग्मक या न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर आते हैं, अंडाशय से मिलते हैं और बीज का निर्माण होता है। तो यह जो है वो एक स्त्री केसर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कभी कभी बाह्य दल पुंज और दल पुंज में कोई अंतर नहीं होता, ये दोनों मिलकर एक तीसरी प्रकार की संरचना बनाते हैं जिसे परिदल पुंज कहते हैं। जैसे आप लोगों ने रात रानी वगैरह में देखा होगा या सिंपल उसको क्या कहते हैं रजनीगंधा, रजनीगंधा का पुष्प लोगे तो देखोगे कि बाह्य दल और दल जो है वो दोनों एक साथ मिलकर परिदल पुंज का निर्माण कर देते हैं। तब ये जो संरचना है वो इस सदस्य को माने इसका एक जो सिंपल सदस्य होता है उसको टेपल या परिदल कहा जाता है। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम पुष्पदल विन्यास के बारे में पढ़ेंगे।